हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है हमारे सागर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज 21 अगस्त 2018 है। कल 20 अगस्त 2018 को जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में जो है सचिवालय में बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षा मित्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जो थी वो चर्चा की गई थी, एवं इनके पूर्ण समायोजन की बात को भी लेकर, जिसको कि लेकर योगी जी को काफ़ी सारी चिंताएं हैं। एक बड़ी बैठक हुई आला अधिकारियों के, शिक्षा विभाग के सचिवों को और कई सारे अन्य विभागों को लेकर। तो उसमें जो बातें निकल कर आई हैं, जो मेन न्यूज़ निकल कर आई है, वो हम आपको बताने वाले हैं। पहली न्यूज़ ये निकल कर आई है कि शिक्षा मित्र होंगे स्थायी। इसका मतलब ये है, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में केवल 2 भर्तियों में शिक्षा मित्रों को जो है मौका दिया है। उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद शिक्षा मित्रों को निकाल दिया जाएगा? तो नहीं, शिक्षा मित्र उसके बाद भी विद्यालय में पढ़ाते रहेंगे और उनके लिए प्री प्राइमरी नाम से, प्री प्राइमरी टीचर के नाम से जो होता होगा, एक नया पद सृजित होने वाला है। ये कल की बैठक में अहम निर्णय आया है। उनको विद्यालयों से निकाला नहीं जा रहा है, वो स्थायी रहेंगे। उनको प्री प्राइमरी टीचर के नाम से उनके लिए एक नया पद सृजित किया जाएगा। इसके अलावा, चूंकि वेतन वृद्धि को लेकर बहुत सारे इशू रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम है, आज की महंगाई को देखते हुए सिर्फ 10,000 रुपये वेतनमान है, इसलिए उस वेतन वृद्धि को भी बहुत जल्द, हो सकता है सरकार 1-2 महीने में बढ़ा दे। उसके अलावा उनके पूर्ण समायोजन के लिए, उनको सहायक अध्यापक बनाने के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अगली लिखित परीक्षा कराएंगे, उसमें से पासिंग परसेंटेज को ख़त्म करने की बात जो है वो सरकार ने आज स्वीकार की है। यानी अगली जो बड़ी भर्ती होगी, उसमें से पासिंग परसेंटेज जो है वो ख़त्म हो सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा मित्र साथी हैं वो उनका चयन हो सके। तो ये थी न्यूज़ 20 अगस्त 2018 की, जो कि अहम निर्णय, अहम बातें निकल कर आई आप सभी लोगों के लिए सचिवालय की तरफ से, जो कि मैंने अपने वीडियो में बता रहा हूं। उसके अलावा यहां पर यह भी बता दूं कि अगली UPTET 2018 बहुत ही जल्दी आयोजित होने वाली है, जिसके लिए सितंबर के प्रथम सप्ताह में विज्ञापन आ जाएगा, नवंबर के प्रथम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम जो है वो पॉसिबल है। तो मेरा कहना उन सभी शिक्षा मित्र साथियों से है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपनी पढ़ाई को दमदार तरीके से करें, ताकि जल्द से जल्द आप अपनी खोई हुई नौकरी को पा सकें। इस खबर में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हमें जाइएगा, ताकि हम जो भी न्यू अपडेट दें वो आपको समय से पहले सबसे जल्दी आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टू ऑल ऑफ यू गाइस।